काजू के मोदक बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम काजू, एक हम यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लेंगे, काजू को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड करके हम इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसे हमें थोड़ा रुक रुक कर ग्राइंड करना है। काजू यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, माइक्रोवेव से बोल लेंगे क्योंकि हम इस मोदक को अपने माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं। 2 कप शुगर ऐड करेंगे, 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे। बोल को हम माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं। माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, स्टर कर लेते हैं। फिर से इसे माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। और ये हमारी एक तार की चाशनी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस बोल को माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर रोज एसेंस ऐड करेंगे। अब हमने जो काजू को ग्राइंड करके रखा था उसे इस चाशनी में ऐड करेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर को भी ऐड कर देंगे और इस मिल्क पाउडर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और ये अचे से ठंडा हो चुका है, 2 के फॉर्म में सेट हो रहा है। तो चलिए इसे हम मोल्ड में डालकर मोदक को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके बीच में हम एक पिस्ते को डाल देंगे। चांदी के वर्क को इस मोदक के ऊपर लगा देते हैं। इसे कलर बॉल से सजाएंगे।